राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी, धरना प्रदर्शन किया, क्या कहना है सर? देखिए, राजस्थान की सरकार जिस तरह से पिछले 4.5 साल में हर मोर्चे पर विफल हुई है, राजस्थान में जिस तरह से पिछले 4.5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बच निकलने का सबसे ज्यादा अवसर भी राजस्थान में मिला। महिलाओं के प्रति अपराध के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान देश में नंबर 1 पर पहुंचा। अभी हाल ही में जोधपुर में जिस तरह की घटना हुई, घटना ने निश्चित रूप से जोधपुर ही नहीं पूरे देश में लोगों को शर्मसार किया, लेकिन उसके जिम्मेदार लोगों ने मात्र अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है ऐसा करके अपनी पीठ को ठोकने का काम किया। कौन उसके लिए जिम्मेदार थे, किन लोगों की विफलता के कारण से रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक सड़कों पर घूम रहे बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, अपितु सरकार जन सहयोग से हुई गिरफ्तारी को का श्रेय लेकर के अपनी पीठ ठोकती हुई नजर आई। जिस तरह का राजस्थान में तुष्टिकरण पिछले 4.5 साल में हुआ है, बहुसंख्यक समाज को मानसिक रूप से तोड़ने और कमजोर करके अपने वोट बैंक को सशक्त करने का, मजबूत करने का पाप जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने किया, एक तरफ मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है, यहाँ राजस्थान में इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर काम किया, उसके चलते हुए राजस्थान दंगों का पिक में नंबर 1 पर पहुंचा और राजस्थान में सर धड़ से अलग कर देने की घटना को, शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से राजस्थान पेपर लीक में 1 नंबर पर पहुंचा और राजस्थान में लगातार एक के बाद एक 18 पेपर लीक हुए और हर पेपर लीक के बाद में सरकार के मुखिया और सरकार के गृहमंत्री, जिस व्यक्ति के पास में इन दोनों पदों की जिम्मेदारी थी और जिस व्यक्ति को पहले ही इस तरह की घटना के बाद में उचित संज्ञान लेकर के गहन छानबीन करके कार्रवाई करनी चाहिए की आवश्यकता थी, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए उन्होंने FIR दर्ज होने के साथ में उससे पहले ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि इसमें कोई भी सरकार का अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। आज हम सब ने देखा कि RPSC जैसी पवित्र संस्था जिसके प्रति राजस्थान की जनता का इतना सम्मान था, उसके मुंह पर कालिक पोतने का काम जो है वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने किया। अखबारों में, आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब ये समाचार छपते हैं कि बाबूलाल कटारा 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए माध्यम से उनको देकर के RPSC में आए थे, जिन लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों को नामित किया था, उन लोगों के नाम आज किस तरह से भ्रष्टाचार में और RPSC में पैसे लेकर के पास करने में जो जिस तरह से उछल रहे, ये निश्चित ही शर्म का विषय है। और आज जांच के कुछ कदम आगे बढ़ते ही RPSC के अधिकारियों से लेकर के, जिम्मेदार और अधिकारियों से लेकर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्रियों तक तो इसकी आँच और कालिक पहुँच गई है। और मैं ये मानता हूँ कि ठीक से जब जांच होगी तो सरकार में बैठे हुए अनेक मंत्री भी जो है शिकंजों के पीछे में जाने वाले हैं। इस तरह से पूरे राजस्थान में जिस तरह से अपराध बेलगाम हुआ है, आज जोधपुर में जिस तरह गांव चिराई में घटना हुई है, देखिए थानों पर एक विषय लिखा होता है कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। आज राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उल्टे हैं। आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उनका विश्वास 7वें आसमान पर है और आम जन में डर है। देखिए, आम जन में डर है इसीलिए अजमेर से आए हुए बच्चे बच्चियां वो रात को 2-10 बजे उनके उस साथ में होटल के मैनेजर द्वारा दुर्व्यवहार करने के बावजूद भी, अटेम्प्ट टू रेप करने के बावजूद भी, वो पुलिस के में विश्वास न होने के कारण से बेचारे बाहर बैठे रहे और बाहर बैठे रहने के कारण से वो नराधम लोग जो हैं इस बच्ची के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार कर पाए। ऐसे असामाजिक तत्वों के हौसलों को बुलंद करने वाली ये सरकार, राजस्थान में जिस तरह से अपराधियों के गैंगवार बढ़ रहे हैं, अभी भरतपुर में आपने देखा एक मर्डर के केस में सजायाफ्ता जो है वो अपराधी को दूसरे अपराधी ने गोली मार दी, किस तरह के गैंगवार हो रहे हैं। सीकर में जिस तरह से हत्याएं हुई है और पूरे राजस्थान में जिस तरह से अराजकता का माहौल हुआ है और अपराधी जिस तरह से बेलगाम बेखौफ हुए हैं, ये राजस्थान की सरकार के मुखिया और गृह मंत्री की विफलता का कारण है। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है
दिल दहलाने वाली घटना है। और उस चित्र को अगर कोई आदमी देखे, थोड़ी सी भी संवेदनशीलता रखने वाला अपने हृदय में व्यक्ति जो है वो आंसू बहाने के बजाय उसे रोक नहीं सकता, उसके आंखों से आंसू बहेंगे ये सुनिश्चित। लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कानून का खौफ क्यों नहीं था? क्योंकि वो ये जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह की ढुलमुल सरकार चल रही है उसमें अपराधी इसी तरह से बचते जा रहे हैं। इसके कारण से राजस्थान की सरकार की विफलता के कारण से इस तरह के जो है दुष्कृत्य करने वाले लोग आज करने का साहस जुटा पा रहे हैं।